नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज महात्मा गांधी या फिर गांधी योग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। पहला क्वेश्चन हमारा, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो आपको बता देना है भारत छोड़ो आंदोलन से। गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक का लेखन किसने किया था? तो ये थे आपके थॉमस मार्टन। गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? थॉमस मार्टन। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक का लेखक लेखन किसने किया? ये थे आपके लुई फिशर। गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक थे, याद रखना, थॉमस मार्टन, और द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक थे लुई फिशर। द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक, द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया? तो एक थे आपके जेम्स फोर्ड। जेम्स फोर्ड ने 1919 में। 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की कितनी संख्या थी? तो आपको बता देना है 6, 6, ठीक है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? 1946 में जो आपकी अंतरिम सरकार बनी थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य व कृषि मंत्रालय। 23 नवंबर 1919 को, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये थे आपकी महात्मा गांधी। 4 अप्रैल 1919 के कौन? 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर किसने भाषण दिया था? तो ये थे आपके स्वामी सिद्धानंद। स्वामी सिद्धानंद। हु लिव्स इन इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू साहब की। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सांडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह ने, ठीक है, भगत सिंह ने मारा था कैप्टन सांडर्स को। अफीम की गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? यह है नेल्सन, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को अफीम की गांधी कहा जाता है। अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया था? चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई किस उपाधि में वापस कर दिया था, किस उपाधि को वापस किया था? वे थी आपकी केसर एहन। आधुनिक गांधी के रूप में जाना जाता है बाबा आमटे को। आधुनिक गांधी के रूप में बाबा आमटे को जाना जाता। इंकलाब का नारा किसने दिया? इंकलाब का नारा आपका मोहम्मद इकबाल ने दिया था। किसने? मोहम्मद इकबाल ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह। इंडोनेशियाई गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अहमद सुकैडो को, अहमद सुकैडो। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया कहां पर हुआ था? तो आपको बता देना है लाहौर में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ और दूसरा विभाजन कब हुआ? मुंबई 1918 में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो आपको बता देना है 1942। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1918 में, जो अहमदाबाद में हुआ था मिल मजदूर हड़ताल, इसी में पहली बार
भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में गांधी जी ने प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह, इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी, बारदोली सत्याग्रह पश्चात। ठीक, किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? बेलगांव अधिवेशन की, ये हुआ था आपका 1924 में। किस कारण गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो आपको बता देना है, जलियावाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? 1869 से 1921। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई? वर्ष 1928 में लाहौर में सांडर्स की हत्या के कारण। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? तो ये थे आपके सुभाष चंद्र बोस साहब। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की थी? तो ये थे आपके मोतीलाल नेहरू। किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी अपमानित किया और आपदस्थ किया गया था? तो ये था पीटर मैरिट्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका का था। ठीक है, किस कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जन संहार की घटना घटी? द रोलेट एक्ट के कारण। अगला क्वेश्चन है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी वाला था? तो ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने। किसने कहा था कि मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपनी जीवन भर स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू साहब। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये थे आपके महात्मा गांधी। किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो आपको बता देना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ये थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। कन्या के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? जोमो कन्याटा। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो ये थे आपके स्वतंत्र भारत के थे सी राजगोपालाचारी। गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है, याद रखना है आपको ये। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? तो ये थे आपके महादेव देशजी। गांधी जी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी को अर्ध नग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो याद रखना है रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने। गांधी जी ने पोस्ट डिटेड चेक किसे कहा था? किट्स मिशन 1942 को। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? 1918 में, सॉरी 1908 में। गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत कब की? 1932 में। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? गुजराती। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। गांधी जी का पहला अनशन भारत में, गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? सत्य के साथ मेरे पे। गांधी जी को पहली बार कब जेल जाना पड़ा? 1908 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो आपको बता देना है 21 वर्ष। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है आपको। ठीक, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया? तो सितंबर 1906 में।
गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? केवल एक बार, 1924 में बेलगांव सम्मेलन में। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? 1927 में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन सवे त्रकास चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ये था आपका रॉलेट एक्ट। गांधी जी ने टाल स्टॉर फार्म दक्षिण अफ्रीका कब शुरू किया? 1910 में। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साप्ताहिक नवजीवन यंग इंडिया कब शुरू किया? 1919 को। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? 1933। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था देशभक्त। गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया गया था? तो ये डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में। गोद पिता पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह थे। चोरी चोरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर। जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। जय प्रकाश नारायण की किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपको बता देना है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल ओ डायर ने। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा था? ये थे आपके सुभाष चंद्र बोस। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का पत्र का क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन 1903 में। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? 385। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? सी एफ एंड्रयूज। देशबंधु की उपाधि किस के साथ संबंधित है? चितरंजन दास के साथ। नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1930 में। पुस्तक ग्रेट सॉल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया का लेखन किसने किया? जोसेफ लेली बेल्ड। प्रसिद्ध चिटगांव सस्ता गांव गार धावे को किसने आयोजित किया था? सूरसेन ने। बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? जनरल आंग सान। बाबा आमटे को अभय सदक का किताब किसने दिया था? महात्मा गांधी साहब ने। भारत एवं पाकिस्तान का विवाह किस योजना के तहत हुआ था? माउंट बैटन योजना। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिल रेडक्लिफ ने। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे बी किपलान। भारत के विभाजन का बालकन प्लान किसकी उपज था? लॉर्ड माउंटबेटन की मस्तिष्क की। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण में 1917 में। भारत में जब किप्स मिशन का आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 में। भारतीय मुसलमानों ने कि पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये थे आपके चौधरी रहमत अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो ये थे आपके अबुल कलाम आजाद। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? चितरंजन दास। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता है? 1915 से 1948। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। पहले भी हम लोग देख चुके हैं इसको। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, पहले भी बात कुछ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां पे थी? चंपारण में। माई एक्सक्यूज प्रीमेंट विथ ट्रूथ, ट्रूथ के रचनाकार थे महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव कब स्वीकार किया? 1940 में। मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्यार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी, यह किसने कहा था? लाला लाजपत राय। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। रॉलेक्ट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया। रॉलेक्ट एक्ट किस लिए पारित किया गया? राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। वर्ष 1919 में जलियावाला बाघ हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो यह है आपका अमृतसर में। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटाई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारतीय संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद। श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है एटी अरिया राटने। सभी तीन गोलमेज मेले मेज सम्मेलनों में भाग लिया था आपका बी आर अम्बेडकर साहब ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? नई बढ़ी हुई लगानदर की वापसी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड इरविन के साथ। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? 1928 में। सारे जहां से अच्छा के लेखक इकबाल भारत के किस स्थान से संबंधित थे? पंजाब से। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के रचनाकार आपके इकबाल साहब थे। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा 1943 में दिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। हंटर आयोग की नियुक्ति किस के बाद की गई थी? जलियावाला बाग हत्याकांड के बाद। तो चलिए थे आपके महात्मा गांधी या फिर गांधी युग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ठीक है।